Assalamualaikum, मैं हूं नूरी नैना, मेकअप आर्टिस्ट एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर, और आज आप लोगों के सामने एक और न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं। और आज का टॉपिक है मॉडल मेकअप। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब किया, उन लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरे साथ है एक स्पेशल बजी, और मेरी है मॉडल जिसपे हम करेंगे मॉडल मेकअप। मिलिए इनसे। Hi guys, how are you? I hope you all are fine and thank you so much for support and keep tuned. और आज जो मेकअप है वो आप ये देख रहे हैं, मैंने पूरी लुक क्रिएट किया। और इस मेकअप को देखने के लिए आप लोगों ने करना है मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और आपने मेरी देखनी है पूरी वीडियो, और ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हमने ये वाली लुक जो है वो क्रिएट की है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हाँ जी, तो मेकअप को करते हैं स्टार्ट। और अभी मैंने लगाया है गोल्डन रोज़ का प्राइमर फेस के ऊपर। पहले मैंने इसकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे फेस के ऊपर। और आपने सबसे पहले इसको करने के बाद, प्राइमर लगाने के बाद, अब आपने लगाना है कंसीलर, क्योंकि छोटे छोटे स्पॉट्स हैं और कहीं कहीं से डार्क सर्कल्स और इवन टोन है स्किन को करने के लिए। हमने इसको एप्लीकेशन करी है, OR नंबर है इसका, स्टेज लाइन का है ये कंसीलर। लाइट कलर का कंसीलर है, बहुत डार्क कलर कंसीलर में तब यूज़ करते हैं जब ज़्यादा पैचेस हों, जब ज़्यादा किसी के फेस में फ्रैकल्स हों, तो फिर ज़्यादा ऑरेंज कलर यूज़ होता है। तो स्टेज लाइन का बहुत ज़्यादा लाइट सा शेड है ऑरेंज कलर में, OR के नाम से। और मैंने इसके पूरे फेस के ऊपर ब्लेंड करके अब स्किन को जो है वो इवन किया है। इसके बाद मैं कर रही हूँ दो कलर यूज, एशिया 1 एंड एशिया 2। ठीक है, एशिया 1 शेड जो है वो लाइट शेड है, और एशिया 2 जो शेड है वो है डार्क शेड। तो डार्क शेड को मैं वहां पे लगाऊंगी जहां पे आपने कंटूरिंग करनी होती है, और लाइट शेड मैं वहां पे लगाऊंगी जहां पे आपने फीचर्स को एनहेंस करना होता है, लाइक आपने फीचर्स को बहुत ज्यादा प्रोमिनेट करना होता है। तो मैं आइज़ के नीचे, नोज़ के ऊपर, चिन पे और इसके अपर लिप पे लाइटर शेड यूज़ करूँगी, और चीक्स पे, चिन पे और जो लाइन पे मैंने डार्क कलर को यूज़ किया है। इसी तरह से मैं दो कलर जो फाउंडेशन के कलर हैं, ये मैट कलर हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं। ये भी एशिया 1 एशिया 2 फ्लूड है, और ये आपको फाउंडेशन बेस में आएंगे। तो आपने इन दोनों को, लाइट एंड डार्क को मिक्स करके, आपने फाउंडेशन जो नीचे आपने स्टिक लगाया है उसको आपने अच्छे से स्मर्ज कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है टैप करते हुए। अभी देखें, जैसे आप लोग स्टिक लगाते हो तो आपको उसको टैप करते हुए ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है। मॉइस्चर होने की वजह से बेस अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग भी हो जाती है और अच्छे से स्मूथ भी हो जाती है। और इसी तरह से लाइक आपने हल्के हल्के टैप करते हुए आपने पूरे फेस पे जो है ब्लेंडिंग कर देनी है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ आई प्राइमर, ये भी बेस होती है आई प्राइमर बेस। मैं जो भी बेस बनाऊंगी उसके लिए मैं अपने हाथ में रखूंगी एक ऐसा फ्लफी स्पंज जिससे आपके हाथ जो है वो टच ही ना करें फेस के साथ, और आपकी बेस भी ख़राब ना हो। तो मैं आई मेकअप करने से पहले प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, प्राइमर बेस है, ये भी स्टेज लाइन का आई प्राइमर है। और ये आपके जितनी भी आप मेकअप करोगे उसको लॉन्ग लास्ट करता है, आपकी जितना भी आई मेकअप होता है आपको वो शाइन करता है, और उसके कलर्स बहुत इन्हेंस होते हैं, आपके कलर्स जो है वो डिम नहीं करते। ठीक है, अभी इसको मैंने अच्छे से स्पंज के साथ स्मर्ज कर लिया है, और उसके बाद मैं लगाऊंगी लाइट रिवाज का मेरे पास है कंसीलर। मैं आईज़ के नीचे कंसीलर दे रही हूँ लाइटर शेड देने के लिए, बिल्कुल आईज़ के नीचे वाली जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं उसको मैंने ऑरेंज से कवर किया था, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो लाइट कलर शेड इस्तेमाल कर रही हूँ कंसीलर का। नोज़ के ऊपर भी लगाऊंगी जहाँ पे हाईलाइट करेंगे आप, और इसी तरह से अपर लिप्स पे और हेड पे मैं थोड़ा सा लिटिल बिट जो है वो इसको एप्लीकेशन करूंगी ताकि आपकी बेस जो है वो ग्लो करे, और आपकी बेस बहुत प्यारी ब्लेंड हो। और आपको पता है यही फीचर्स में यही दो एरिया होता है जिसको टी जोन एरिया बोलते हैं, वही हाईलाइट करता है। तो मैंने इसके ऊपर लाइटर शेड का जो है वो कंसीलर यूज़ करके उसको टैप टैप करके उसको स्किन के अंदर ही पेनिट्रेट कर देना है।
इसी तरह से आपने पूरी बेस को टैप करते हुए बनाना है ताकि आपकी बेस जो है वो इक्वल रहे। ये देखें हाईलाइट हो गई है। इसी तरह मेरे पास फेस पाउडर है लाइट एंड डार्क कलर में, लाइक एशिया वन एशिया टू, लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी आपस में मिक्स करते हुए, और फिर मैं इसको टैप टैप करते हुए फेस के ऊपर अच्छे से एप्लीकेशन कर दूंगी। आपने अच्छे से टैप कर देना है बेस को, नीचे वाली बेस, ताकि स्मूथ हो जाए और आपका जो फेस पाउडर है वो पूरी स्किन को कवर कर जाए। ठीक है, इसी तरह से आपने नेक पे भी ही एप्लीकेशन कर देनी है। आप फेस पाउडर लगाते वक्त कोई ना घबराएं, अच्छे से लगाएं, बाद में जो भी आपका एक्स्ट्रा फेस पाउडर होगा वो जब आप ब्लेंड करोगे तो वो निकल जाएगा। अब मैं आईज़ की आईब्रो को डस्ट आउट कर रही हूँ एक ब्रश से, जिस तरह से आपका एक मस्कारा का ब्रश होता है, इसी तरह से वो ब्रश है उससे मैंने आईज़ को आई लैशेज जो मैं आईब्रो कर रही हूँ उसको मैं इस तरह से करूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रश को वेट करते हुए लाइट एंड डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर के साथ मर्ज करते हुए लाइन को क्रिएट किया है फ्रंट से लेके मिड तक, जहाँ पे आपका सेंटर पार्ट आता है, आपकी आर्च आती है, वहाँ तक आप इसको जो है वो लाइन को क्रिएट करते हुए नीचे को आर्च को लेके जाएंगे। और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते जाना है, और बिल्कुल स्टार्ट वाला जो एरिया है वो आपने ब्राउन कलर के साथ मर्ज करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने डार्क कलर का यूज़ करना है ताकि आपकी जो भी आईब्रो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हार्श लुक ना आए। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड करना है, देखते आप रहे हैं कि साथ साथ आप किस तरीके से उसकी आई की शेप है उसी के अकॉर्डिंग आपने उसकी आईब्रो भी जो है वो करनी है। और इस तरीके से आपने बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, लाइट एंड डार्क कलर को बिल्कुल ब्लेंडिंग में लेकर आना है ताकि आपकी आईब्रो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श लुक ना करें, ब्लैक ब्लैक ना हो जाएं, बिल्कुल आपके हेयर के अकॉर्डिंग ही आए। इसी तरह से मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, हाइलाइटर मेरे पास है स्टेज लाइन का, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आईज़ के ऊपर वेट करके ब्रश, और मैं इस तरह से जो है वो आईब्रो बोन के ऊपर मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगी। वेट ब्रश करने के बाद मैं देखें आपको आर्च के साथ स्टार्ट करूंगी, जहां पे आर्च है वहां से स्टार्ट करूंगी और इसको ब्लेंड करते हुए नीचे की जानब ले आऊंगी। ठीक है, और बहुत अच्छा हाईलाइट होगा और आपकी जो बोन है वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी और आपकी जो आईज का मेकअप है वो बड़ा सॉफ्ट में जाएगा। और इसके बाद मैं जो यूज़ करूँगी वो है शिमर, ये मेरे पास क्रेलॉन का है शिमर वाइट कलर का, मैं इनर कॉर्नर पे यूज़ करूँगी। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपने जो है वो अपना अगला मेकअप जो है वो स्टार्ट करना है। कोई भी कलर यूज़ करें हैं, चाहे वो रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, जो भी कलर यूज़ करें हैं वो आपने कभी भी इनर कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना। आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है जो आई के इनर कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल आपने लाइट गोल्डन या लाइट सिल्वर कलर के रखने हैं। इसी तरह से आँख बंद करके मैं उसको ऊपर की तरफ पुल कर रही हूँ और ऊपर वाली वाटर लाइन पे मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट ब्लैक कलर है ये, स्टेज लाइन की पेंसिल है, इसको मैं यूज़ करूँगी ऊपर और नीचे वाली वाटर लाइन पे आई की। ठीक है जी, इस तरह से दोनों आपने वाटर लाइन पे यूज़ करें ताकि आपकी आँख जो है वो बहुत प्यारी और बहुत एलिगेंट और बड़ी सॉफ्ट लुक आए और ब्लैक जो कलर है वो अच्छे से नीचे और ऊपर दोनों जानब पर लग जाए वाटर लाइन पे। ठीक है, इसी पेंसिल के साथ मैं आपकी जो है वो कॉर्नर्स को स्मर्ज कर रही हूँ, कॉर्नर को मैं ऊपर की जानब लेके जा रही हूँ आर्च में। ठीक है, आपने इसको टेढ़ा रखना है, तिरछा रख कर आपने इसको ब्लेंड करना है, आपने इसको गोल नहीं रखना, आपने तिरछा रखते हुए जिस तरह मैंने इसको तिरछा रखते हुए पेंसिल को इस्तेमाल किया है ऊपर की। ठीक है, आप इसको सॉकेट लाइन की तरफ लेके जाएंगे तिरछा रखते हुए। इसी तरह आपने ब्लेंड करते हुए हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करते हुए पेंसिल को ऊपर की जानब लेके जाना है ताकि आपके कॉर्नर जो है वो बहुत सॉफ्ट लगे और बहुत अच्छे तरीके से बने। इसी तरह से मैंने सिंपल एक छोटा सा ब्रश लेकर इसको ऊपर की जानब ब्लेंड किया है खाली ब्रश के साथ, कोई इसमें कलर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और मैं इसको जिस तरह लाइनर लगाते हैं ना इसी तरीके से लाइनर की तरह मैं इसको ऊपर और नीचे की जानब स्मर्ज कर रही हूँ ताकि एक सॉफ्ट लुक क्रिएट हो सके। और उसके बाद मैं जो यूज़ करूँगी मैं ब्राउन कलर को सॉकेट लाइन में यूज़ करूँगी और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि जो आईज़ का कॉर्नर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और बॉन के नीचे नीचे रहते हुए आपने सॉकेट लाइन को क्रिएट करना है ताकि आँख का जो कॉर्नर है वो भी अच्छे से प्रोमिनेंट हो और अच्छे से सॉफ्ट लुक भी आए, और साथ साथ आपने अंदर की जानब इसको ब्लेंडिंग में लेकर आना है। दोनों जानब से आपने इसको करके आपने अच्छे से ब्लेंड रखना, ब्लेंडिंग बहुत मस्ट है। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे अच्छे से कलर को
तो वो अच्छा नहीं जाएगा। इसी तरह से मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की पेंसिल इस्तेमाल की थी। अभी मैं इसको जो है वो पाउडर कलर इस्तेमाल कर रही हूँ इसके ऊपर ब्लैक कलर का, और अंदर की जानब मैं इसको बिल्कुल लाइनर की तरह आईबॉल की तरफ लेकर आऊँगी, और ऊपर की तरफ नहीं लेके जाऊँगी ताकि आपकी जो बहुत हार्श लुक ना आए और बहुत सॉफ्ट रख के आपका जो है वो आई मेकअप दिखे, क्योंकि ब्लैक कलर को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग बहुत काला कर देते हैं आईज़ को, वो बहुत ही बुरा लगता है, और आपको पता है वो वैसे ब्लेंडिंग में नहीं आता तो वो अच्छा नहीं लुक करता। तो हम कर रहे हैं क्रिएट ड्रामेटिक आईज़ और ब्लैक कलर और ब्राउन कलर के साथ मैं पूरा मेकअप करूँगी आपके सामने। बहुत सारे कलर यूज़ नहीं करूँगी, आप देख सकते हैं मैं ब्लैक कलर को किस तरीके से स्मर्ज कर रही हूँ बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ। मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं अप्लीकेशन कर रही, और जहाँ पर मैंने सिल्वर कलर लगाया था वो मेरी एक ड्रॉ लाइन थी, जो मुझे पता था कि बाकी कलर जो है मैं यहाँ तक स्मर्ज करूँगी। इस तरह से आपकी आईज़ जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से हल्के हाथों से करते हुए इसको अच्छे से बाहर की तरफ ब्लेंड करना। अभी मैं इसको ब्राउन कलर को दोबारा इसके ऊपर एप्लीकेशन इसलिए कर रही हूँ ताकि सॉकेट लाइन जो है वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए, और ब्लैक कलर जो जहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ हो वो भी डिम में चला जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर नहीं हमें चाहिए। ये देखें बिल्कुल ब्लेंडिंग में आ गया है। इसी तरह से ब्राउन और ब्लैक कलर को मैं आईज़ के नीचे कॉर्नर पर यूज़ करते हुए ब्लेंड करते हुए अंदर की जानब लेकर आऊँगी। आपने कभी भी अंडर आई का जो मेकअप है वो स्किप नहीं करना। मैं आपको तफसील से इसलिए बताती हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये क्रिएट करना आ जाए। और ये देखें आपने आँख का कोई भी आप मेकअप कर रहे हो तो आप अंदर वाला जो मेकअप है नीचे अंडर आई का मेकअप जो है वो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए कॉर्नर्स की जानब लेके जाना है और कॉर्नर के साथ स्मर्ज कर देना है ताकि एक सॉफ्ट और एलिगेंट सी लुक आए और आपकी जो आईज़ हैं वो प्रोमिनेंट हों और आपकी आँखों का मेकअप जो है वो अलहदा अलहदा ना दिखे। कुछ लोग ऊपर वाला मेकअप कर लेते हैं, नीचे वाली आईज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और वो बहुत ही बुरा लगता है, आँखें अंदर की तरफ धुंसी हुई नज़र आ रही होती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें मैंने मॉडल का मेकअप किया है, बहुत सॉफ्ट लग रहा है आईज मेकअप, और बिल्कुल मैंने इसको डस्ट आउट कर दिया है एक्स्ट्रा जितना भी कलर था, आप इसको देख सकते हैं मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है, और आपको नजर आ रहा होगा कितना अच्छा सा ब्लेंडिंग हो गया है, ठीक है। और मैं इसको कॉर्नर्स को भी अच्छे से ब्लैक कलर के साथ जो है वो स्मर्ज करते हुए ब्लेंडिंग करते हुए आप ऊपर की जानब लेके जा रही हूँ, और इसी तरह से आईज़ के नीचे भी कलर को एप्लीकेशन कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसी तरह से हल्के हाथों के साथ आपने इसको बिल्कुल हल्के हल्के ऊपर की जानब जो है वो इसको स्मर्ज करके एक पूरी लाइन क्रिएट कर लेनी है, और उसके बाद लास्ट में आपने दोबारा से ब्राउन कलर को डस्ट आउट कर देना है इसके ऊपर ही जहाँ पर आपने सॉकेट लाइन बनाई थी। और इसी कलर के साथ मैं कंटूरिंग भी करूंगी, और हम देख रहे हैं कि मॉडल का फेस ब्रॉड है तो हमने जो कान की ऊपर वाली जगह है वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करना है, और इसको हल्के हाथों से लेते हुए नीचे की जानब लिप्स की तरफ लेकर आना है ताकि फेस जो है वो लंबा लगे, और जो ब्रॉड फेस जो है वो चौड़ा फेस जो है वो थोड़ा सा लुक स्लिम लगे, ठीक है। ये देखें दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से कान के ऊपर की जानब से लेकर आ रही हूँ बिल्कुल लिप्स की जानब की तरफ, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम दोनों जानब से अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि इसकी देखें आपने फौरन देखा होगा कि इसकी लुक जो है वो चेंज हुई है, और इस तरह ही आपने नोज़ के ऊपर दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से ब्राउन कलर को ब्लेंड कर देना है, और जहाँ पर आप बिल्कुल नाक का बिल्कुल स्टार्ट वाला एरिया है वहाँ भी आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। फोरहेड आपने इग्नोर नहीं करना, आपने बिल्कुल वहाँ से तक आपने ब्लेंडिंग करनी जहाँ से आपने बेस स्टार्ट की ताकि बेस की लाइन बिल्कुल सेपरेट नज़र ना आए। इसी तरह आपने जो लाइन पे भी इसी तरह से आपने ब्लेंड कर देना है ब्राउन कलर को। मैंने ब्राउन कलर जो उठाया है बहुत ही प्यारा डार्क कलर है, और ये ब्राउनज़ सा शेड है जो आपकी फेस को हाईलाइट करेगा। इसी तरह मेरे पास गोल्डन रोज़ के कलर्स हैं, दो तीन कलर हैं, दो तीन शेड हैं जो कि लाइट एंड डार्क में आ रहे हैं, पिंक और ब्राउन सा शेड है और इसके अंदर ही शिमर शामिल है, तो मैं इसका जो है वो ब्लश ऑन कर रही हूँ। आपने दोनों जानब से ब्लश ऑन करना है, दोनों जानब पे जब आप ब्लश ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना प्यारा चीक्स जो है वो ब्रॉड हो गए हैं, और इसके अंदर ही शिमर है तो आपको शिमर अलग से यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसी कलर से जिससे मैंने आईब्रो की जो है वो बॉन को हाईलाइट किया था। मैंने हल्के हाथों से नोज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, तो देख लें आपका मॉडल का फेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। आपने आईलैशेस लगाने से पहले मस्कारा ज़रूर लगाना है ताकि आपकी जितनी भी आंखों के ऊपर, लैशेस के ऊपर जितना भी कोई कलर आया है वो सारा डस्ट आउट हो जाए और आईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग में आ जाए।
ठीक है, इसी तरह से आईज़ के नीचे भी आपने कलर जो है वो मस्कारा जो है वो लगाना है, ताकि जो भी कलर है वो निकल जाए, जो कलर एक्स्ट्रा आ गया हो। ठीक है, अब हम लिप्स को करेंगे। और मेरे पास है स्टेज लाइन का लिप पैलेट, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, दो कलर में यूज़ कर रही हूँ, पीच ब्राउन और ब्राउन कलर। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड से शेप को क्रिएट करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर देना है लिप को, और नीचे की जानब हमने लेकर आ जाना है। और देख लें आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अगर किसी की लिप्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं तो बाहर की जानब आपकी लाइन नहीं जानी चाहिए, अंदर की जानब आप लाइन लगाते हुए लिप्स को जो है वो अच्छी सी शेप दे सकते हैं। और सॉफ्ट रखना है आपने इस पर, ब्राउन, पिंक, न्यूड, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग ड्रेस होगा। अभी मैंने इसको मॉडल को वाइट शर्ट पहनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ब्राउन और पीच कलर मिक्स कर रही हूँ। आप अगर ब्लू कलर यूज़ करें या कुछ भी कलर यूज़ करें, मैं जो है वो आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ स्वीट टच की गम के साथ साथ। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी मेरी वीडियो, और मैंने बहुत आसान तरीके से आज आपको बताने की कोशिश की है कि आप कितने कम कलर में किस तरीके से ये लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा मैंने सिर्फ दो कलर का इस्तेमाल किया है, ब्लैक एंड ब्राउन, और पूरा मेकअप मैंने जो है ब्रॉन्जे में किया है, ताकि आप लोग एक ग्लैमर लुक ले सकें और आपको बहुत सारे कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर के साथ ही पूरा मेकअप किया है। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरा मेकअप पसंद आ रहे होंगे, और जिन लोगों को मेरे मेकअप पसंद आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अब दोबारा न्यू वीडियो के साथ एक ईद लुक मैं लेकर आ रही हूँ, बहुत अच्छी लुक आप लोगों के सामने करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और सबसे बड़ी बात बेल जो नोटिफिकेशन है उसको टिंग टिंग ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों के सामने मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।